जाट समाज को हमेशा सरकार भी इस तरह से बरगलाती रही है और हमारे भी जाट समाज की जितनी संस्थाएं हैं बहुत कम संस्थाएं जाट हित की काम में करती हैं, बाकी संस्थाएं अपने घर परिवार पालने के लिए रोजी रोटी का जुगाड़ करती हैं। जिसमें कि हमने आपको बताया जिस तरह यशपाल मलिक था जिसने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, हमारे समाज ने बहुत बड़ा सहयोग किया, लेकिन हमारे समाज को उसने इस तरह से पृथकतावाद पैदा किया, आपस के भाईचारे खत्म किए और जो मुद्दा था उसे भटका दिया गया। और रही है सरकार, इस सरकार ने भी हमारे को आश्वासन दिया था हम आपको आरक्षण देंगे, लेकिन इस सरकार ने आश्वासन नहीं, सब झूठा हो गया, ना हमारे को आंदोलन आरक्षण मिला और ना ही हमारे किसी प्रकार की सुनवाई की गई। इसी तरह से दोबारा हमारा किसान एजिटेशन स्टार्ट हुआ, उसके अंदर भी सरकार ने हमारे चारों तरफ दिल्ली आने के लिए इस तरह से बैन कर दिया, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी फेंसिंग नहीं लगाई जाती है, फिर भी जाट समाज एकजुटता परिचय देते हुए दिल्ली के अंदर हाजिरी दी और वहां पर इन्होंने आश्वासन दिया कि आपको एमएसपी देंगे, कमेटी बना दी गई है, ये चीज देंगे, आपको सब कुछ देंगे, लेकिन आज तक वो भी सभी कमेटी निष्क्रिय रही है। यानी किसान अपनी हालत से बदतर होता जा रहा है, कोई किसी प्रकार का सुधार नहीं, नौकरी के अभाव में बच्चे गलत रास्ते पकड़ चुके हैं, नशे के आदि हो चुके हैं, जिसको रोजगार नहीं मिलेगा सुबह शाम तक क्या करेगा, खाली दिमाग शैतान का घर, बात वही है, जमीन रही नहीं, पानी है नहीं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती है, इस सरकार को अब की बार हम बदलने का काम करेंगे, जिसके लिए पूरा जाट समाज एकजुट होकर के लगा हुआ है। वो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लाखों की तादाद में लोग अपने गाड़ी घोड़ों के अंदर बैठ करके आए हुए हैं, ही एक सरकार को संदेश है कि सरकार अपना वादा निभाए, नहीं तो जाट समाज सरकार का तख्ता पलटने का काम करेगा। मौजूदा सरकार का एक ग्रुप है आरएसएस, आपने देखा हुआ आरएसएस के 24 आईएएस भर्ती किए गए बगैर किसी टेस्ट वगैरह के, इनकी जगह जगह इन्होंने दफ्तर खोल ले हुए हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, भाईचारे को खराब करने के लिए। आपने देखा 2016 के अंदर एजिटेशन हरियाणा के अंदर किया, उसके बाद 2013 मुजफ्फर के अंदर किया, अभी आपने मेवात के अंदर देखा। हम इसके लिए बताना चाहेंगे आपको, हमारा जाट समाज बहुत पिछड़ता चला गया, क्योंकि हमारी जो जमीनें थी वे बड़े बड़े हाईवे, रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट वगैरह बनाने से अधिग्रहण की हो चुकी है। जाट समाज, हमारे समाज की जो समकक्ष बिरादरियां थी उनको सभी को आरक्षण दे दिया गया, लेकिन जाट समाज को आरक्षण के नाम पर हमेशा लोलीपॉप थमाया गया। ये तो किया गया, साथ में उदाहरण के तौर पर आपको हम बताना चाहेंगे, 2016 के अंदर जाटों ने अपने आरक्षण की मांग के लिए आंदोलन शुरू किया, उसके अंदर ही सरकार का चुनाव नुमाइंदा राजकुमार सैनी, जिसने हमारे समाज के अंदर जाकर के ऐसे अनाप शनाप टिप्पणी की और उपद्रव तत्व हमारे समाज के बीच में घुसा करके झज्जर के अंदर 13 बच्चे बेमौत मारे गए और हजारों बच्चों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। उसी सरकार से मिला हुआ दूसरा नुमाइंदा मिलम पट्टी लगाने के लिए यशपाल मलिक उर्फ ठगपाल, हमारे हरियाणा में एंट्रेंस करता, हमारे जाटों के समाजों का आरक्षण, तुम्हारे आरक्षण दिलाएंगे और तुम्हारे बच्चों के मुकदमे रद्द कराएंगे। हमारा जाट समाज उसके पीछे अपना बहुत बड़ा आकाश समझ करके लगा और तन मन धन और मेहनत और लगन से उसका हर प्रकार का सहयोग दिया और करोड़ों रुपए उसको चंदा दिया। उस चंदे से उसने अपने एक पर्टिकुलर संस्थान के लिए रोहतक के पास में जसिया गांव के अंदर 23 एकड़ जमीन खरीदी, जहां पर छोटू राम का नाम देकर के JSS जाट सेवा संघ बनाया और जहां पर आज भी उसके नाम से चंदा दिया जा रहा है। जमीन रही नहीं जाट रोड पर, हमारे बच्चे रोड पर, हमें आरक्षण नहीं मिलेगा, हमारी तो कमर तोड़ दी गई है। कमर टूट गई जिस जाति की वो उभरेगी कैसे? और इसमें 3 जातियां हैं जिसको आरक्षण नहीं है, पहला नंबर जाट, दूसरा मराठा, तीसरा गुजराती। हमारी तीनों कौमों को क्यों नहीं, ना सेंटर में ना स्टेट में? लेकिन सरकार ने वादा तो किया था ना कि आपको आरक्षण मिलेगा, तो वादा तो ना निभाया, वादा तो उसने कहा था 2 करोड़ रोजगार भी दूंगा, दिए हैं वो कह रहे हैं। कहाँ दिया? आपको मिला? आपको मिला हो तो बता दो, आपकी पर्चा को मिला हो तो बता दो। वो कहा किसान की आय दुगनी करूंगा, कहाँ करी? किसानों का ऋण माफ किया उन्होंने करोड़ों का, कहाँ किया? हमारा तो एक पैसा माफ होया नहीं, आपका कर्जा माफ हो गया, हमारी तो बल्कि कटौती और कर ली। DAP में 5 किलो उड़ा दिया, यूरिया में 5 किलो उड़ा दिया, 45 किलो इकट्ठे कर दिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पहले 50 किलो के होते थे। तो क्यों हो रहा है ऐसा? ये तो ये भाजपा वाले जाना भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी जाने, गृह मंत्री जी जाने, रक्षा मंत्री जाने, भाई ये ही जानने वाले, ये ही तो कैबिनेट के मुखिया हैं। हम तो एक मजदूर हैं और मजदूरी करके अपनी रोटी खा रहे हैं, हमारा तो मजदूरी ना करे तो भूखे मरा, भूखे मरते हुए तभी तो इस लाल कटोरा स्टेडियम में आए, तभी अपनी मांग को मांगने के लिए आए हैं ना इधर। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे यही है, हमारे को जैसे और जातियों को दिया गया आरक्षण,
उसी आधार से हमें दिया जाए, ओबीसी में लागू किया जाए और हमारी बच्चों की सुधार हो जाए। जो बच्चे हमारे गरीब हैं, हमारा भी दिल करता है आईपीएस बने, आईएएस बने और आगे हमारी जो नेताओं में भी भागीदारी हो, तो तब आरक्षण होगा, तभी तो होगी। हमें आरक्षण है नहीं, हम तो पिछड़ते पे पिछड़ते जा रहे हैं। तो क्यों नहीं ऐसा, सरकार ने अपना वादा पूरा किया, क्या लगता है आपको? प्रधानमंत्री जी ने तो 2013 में इसका स्टेज बना दिया, सेना ने, भूतपूर्व सैनिकों ने वादा किया, बोला मैं एमएसपी दूंगा और जो वादा किया था उससे मुकर गया। आज 10 महीने हो गए सेना ने बैठे हुए जंतर मंतर के ऊपर, वादा तो नहीं किया, अफसरों को दे दिया मराई, दो भाग कर दिए, जिस घर में जाएंगे उसके दो भाग, या तो उसके घराली ने अलग कर देंगे या उसके परिवार से एक सदस्य ने अलग कर देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं आपको इतनी दिक्कतें हैं, लेकिन सरकार कहती है कि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। कहाँ विकास हुआ आप बता दो, कितना दिल्ली में कौन से रोड बनाए नए, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, कौन से कोई सा भाई हमारे स्कूल बनाए हो, कोई सी नदी दूसरी नई खोदी हो, नहर खोदी हो, कोई आईआईए बनाए हो, यूनिवर्सिटी बनाई हो, हमारे बच्चों का पढ़ाई से ही तो फायदा होगा। स्वास्थ्य में कोई नए हॉस्पिटल खोले हो बताइए, हरियाणा में खोले हो तो एक भी ना खोला, जो थे वे भी खत्म कर दिए, कोई भी न तो स्वास्थ्य का हमारा वो रहेगा, शिक्षा का रहेगा नहीं, अनपढ़ हो जाए सारे बच्चे, तो वे फिर क्या करें, भीख मांगे। चंद्रयान को चांद पे भेजा है उन्होंने, आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया। अरे चंद्रयान पे तो साइंटिस्टों ने भेजा, उसने थोड़ी भेजा, हमारे जो साइंटिस्ट है पहले, हमारे राष्ट्रपति भी साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने कितना काम किया, देश के अंदर मिसाइल बनाई, बाहर बाहर मिसाइल बनाई और जगह जगह भाई यूं खोले केंद्र। अपना हक अपना हक।